श्री गजानन गणपति महाराज, ओम गण गणपते नमः, सरस्वतीभ्यो नमः, हनुमन्ते नमः नमः, माँ जगदम्बा नमः, भोलेश्वर महादेव नमः, श्री लक्ष्मीनारायण कृपा चैनल में आपका स्वागत है, शुभ स्वागत है। क्योंकि इसमें दिव्य ज्ञान आध्यात्मिक चैनल है तो सब परिवार आप देख सकते हैं। वो सबसे पहले बता दूँ कि हमारा शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, अगर ये गलती तो नहीं कर रहे। शयन कक्ष का अगर ईशान कोने में, ईशान कोने मतलब उत्तर की तरह आप मुंह करके खड़े हो जाइए और बाएं हाथ जो है, दाएं हाथ का कोना उसको ईशान बोलते हैं, जहाँ से सूर्य निकलता है। उत्तरायण के समय जो सूर्य निकलता है उसको ईशान कोना कहते हैं और भगवान का नाम है ईशान। भोले भोलेश्वर महादेव का निवास होता है, लक्ष्मीनारायण भगवान का निवास होता है और कुबेर बंदर का वास होता है, तो इसको बोलते हैं ईशान कोना। लेकिन उसके पहले ईशान कोना क्यों, अगर वहाँ पर शयन कक्ष है तो क्या करें? और शयन कक्ष आना ही थोड़ा सा सृष्टि का नियम है कि जब हमारा पुण्य और पाप साथ में आता है तो सृष्टि जो है उसको हमें या उसके हिसाब से फल प्रदान करती है। भगवान को वहाँ से हम साथ में सब हिसाब करके भेजते हैं कि क्या पुण्य है, क्या पाप है और किसको क्या देना है, तो उसके हिसाब से पता नहीं कितने जन्मों गए होंगे, क्या क्या जन्म में पाप किया होगा, क्या जन्म में पुण्य किया होगा, जो भी सब साथ में आता है सृष्टि के नियम से अनुसार। तो आपका ईशान कोने में घर प्राप्त हुआ, ईशान कोने में आपका अगर शयन कक्ष है तो उसको अगर थोड़ा सा बदल सकते हैं भविष्य को संवारने के लिए। अगर पाप ज़्यादा है तो ये तो जब भी ये होता है, और पुण्य बढ़ाइए, भक्ति कीजिए, शुभ कार्य कीजिए, पुण्य बढ़ेगा तो अवश्य ही कुछ चेंजेस के लिए आपके मन में आत्मस्फूर्ण होगी। और उसको क्या करिए, आप वहाँ से हटा दीजिएगा, थोड़ा सा राइट साइड में ले लो, थोड़ा सा चेंजेस कर लो। क्योंकि शयन कक्ष में हम लोग अपना बेडरूम नहीं बदल सकते, शयन कक्ष नहीं बदल सकते, लेकिन उसका जो हमारा बेड है उसको तो आप जरूर बदल सकते हैं, लेफ्ट साइड करके बदल सकते हैं। हाँ, उतना जरूर है कि बेड का मुंह जो है, आप जब सोते हैं तो पैर उत्तर की तरफ होना चाहिए और सर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। और इस तरह से आप ईशान कोने में एक छोटा सा फिर बदल करके अपने जो बेड है उसको बदल सकते हैं। खास करके, विशेष करके पहला नंबर जो है उसमें अच्छा रहेगा, अगर उत्तर के तरफ का पैर है और आप उठते हैं तो उत्तर में आपका मुंह जाता है, मुंह सामने, और राइट साइड में सोते हैं तो पूर्व दिखता है और लेफ्ट साइड में सोते हैं तो पश्चिम दिखता है। इस तरह से वो थोड़ा शुभ माना गया है, तो इस तरह से भी सोइए। और अपना छोटा सा बेड है, जो भी छोटा बड़ा डबल बेड है, तो उसको आप कन्वर्ट करके घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, क्योंकि वो फोल्डिंग होता है, तो इस तरह से घुमाइए। और हमारे आपके ऐसे प्रार्थना करते हैं कि शुभ मंगल हो और पुण्य बढ़ाइए। और कुछ कन्याओं को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ छोटा मोटा जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उसको पेंसिलें, बुक्स प्रदान कीजिए। तो बच्चे दरिद्र नारायण हैं, उसको अपने उसके हिसाब से कपड़े दें, पुराना नहीं थोड़ा अगर नया देते हैं तो शुभ होता है, अगर नहीं है तो पुराना भी दे सकते हैं। गाय को चारा दे सकते हैं, लेकिन तबेले में गाय का जो होता है, गाय का निवास, वहाँ पर जाके खिलाइए। और इस तरह से आप छोटा सा कुछ एक परिवर्तन करके अपना रसोई घर जो है उसको, रसोई घर के, हाँ आप बात कर रहे हैं आज रसोई घर का वीडियो, हाँ ये बता रहा हूँ, इससे अगला का वीडियो था वो रसोई घर का था, तो वो भी देखिए कि रसोई घर आपका कहाँ पर है, वो भी तो यहाँ पर नहीं है, वो भी देखिएगा। और इस तरह से आपका शयन कक्ष घुमाकर थोड़ा सा आप चेंजेस करके अवश्य भगवान की कृपा पा सकते हैं। वास्तुदेव महान है, उसको भगवान ने वरदान दिया था कि पृथ्वी में जो भी मकान लेगा, आश्रय लेगा, उसमें वास्तुदेव का आपको अवश्य स्थान देना है। वास्तुदेव का स्थान देते हैं तो अवश्य प्रसन्न होते हैं और हमें खुशी प्राप्त करते, खुशी प्राप्त कराते हैं, खुशी प्रदान करते हैं, क्योंकि उसके हाथ में है
ये हमारा आश्रय का महत्व। इस तरह से आप सफल पाइए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और शुभ कार्य सिद्ध हो। इसी के साथ श्री लक्ष्मीनारायण नमो 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 भगवते वासुदेव लक्ष्मण कृपा चैनल करिए। आध्यात्मिक चैनल से आपके लिए कुछ ना कुछ अवश्य ज्ञान होगा और 150 के करीब वीडियो पहुँच गया है। धन्यवाद।